अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। और आज मैं यहाँ पे बना रही थी अपनी बहन के लिए चटपटा सा पापड़ी चाट, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसे कुछ तीखा मीठा खाना था। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए पापड़ी चाट बना दूँ, तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट पापड़ी चाट बना रही थी। एंड अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड ये काफ़ी अच्छा, मतलब जैसे बाहर में पापड़ी चाट मिलती है ना, बिल्कुल वैसा ही पापड़ी चाट बनती है। बस आप जिसमें इतना आइटम्स ऐड करते जाओगे ये इतना ही टेस्टी होता जाएगा। ओके गाइस, फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से कर लिया सारे पापड़ी को डीप फ्राई, ताकि मुझे बार बार फ्राई ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे इकट्ठा सारे पापड़ी को पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्लेटिंग करती हूँ। प्लेटिंग के लिए आप बस आलू को सिंपली जैसे गुपचुप के लिए बनाते हो वैसे बना लो। यहाँ पर मेरी बहन ने बना चुका था और इमली की चटनी हमारे पास पहले से थी, तो बस बन गया ना इंस्टेंटली पापड़ी चाट बिना किसी मेहनत के। हाँ, मेहनत थोड़ा बहुत तो लगा, अब खाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने घर के पास वाले पार्लर में अपने आईब्रोज़ बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है बकरीद भी आने वाली है और मैं बहुत ही जल्द ससुराल भी जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ईद वहीं करूँगी। और बस मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बना कर जाती हूँ, क्योंकि शायद वहाँ जाकर मुझे वक्त ना मिले, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं घर की साफ़ सफ़ाई वगैरह। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी आज पार्लर। एंड गाइज, यहाँ पर मैं कराने लगी थी फेशियल। वैसे कोई प्लान नहीं था, बट मुझे ना एक अच्छा सा स्क्रब दिख गया था उनके पास, तो बस मैंने यहाँ पे अपना फेशियल करवा लिया। काफ़ी रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस में ये जो है फेशियल करती हैं। तो आपको अगर करवाना हो तो मैं यहाँ पे, अगर आप रानीगंज से हो तो मैं इनका एड्रेस यहाँ पे पिनअप कर दूँगी। ये मेरे बिल्कुल घर के पास के में ही जो है रहती है। एंड काफ़ी अच्छा इनका हाथ, मुझे तो बहुत रिलैक्स फील हुआ बहुत ज़्यादा। आई थिंक सबको थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के ये सब करवाना चाहिए, बट मैं सच बता रही हूँ मैंने कभी नहीं करवाया, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। मैं जब भी करवाती हूँ अपने घर पे अपनी भाभी से करवाती हूँ, कि मेरी भाभी बहुत अच्छा फेशियल करती है। एंड आई ऑलवेज़ यूज़ दैट VLCC वाला गोल्ड, और वो हमें काफ़ी अच्छे से सूट करता है एंड काफ़ी अच्छा स्किन में एक ग्लो आ जाता है उसे यूज़ करने के बाद। आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अगर हमसे कोई रिकमेंडेशन मांगता है तो मैं उसे ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है फेशियल है। आई थिंक स्किन केयर हो या मेकअप, पॉकेट फ्रेंडली हो तो यूज़ करने में मज़ा भी आ जाता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह VLCC का जो गोल्ड फेशियल पैक है ना, वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो आप उसे एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार यूज़ कर ही सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने खूब कर लिया VLCC फेशियल की तारीफ फ्री फुकट में। अच्छा, मैं सच बता रही हूँ, अपना अपना रिव्यू दे रही हूँ। एंड आप बिलीव करोगे, मैंने अपनी शादी में भी VLCC फेशियल ही यूज़ किया था, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा फेशियल वगैरह में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी आपी ने कहा था कि हल्दी तुम काफ़ी अच्छे से लगाना, उससे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपकी शादी है या आप शादी कर चुके हो तो फिर दोबारा लगा लेना, क्योंकि मैं भी लगाऊंगी। मेरी बहन की शादी में मैंने खूब सोचा है, क्योंकि सच में वो पीसी हुई हल्दी, वो शादी की हल्दी जो आपके चेहरे में रौनक लाता है ना, वो कोई भी फेशियल नहीं ला सकता। एंड उसके बाद सारे फेस के डलनेस, पिम्पल्स वगैरह, वो सब फेड हो जाते हैं। ओके गाइस, तो आज हम आए हैं मेरी फ्रेंड सना के घर। सना घर बहुत क्लीन रखी है, सना इतनी लायक कब से थी। ओके गाइस, तो ये है मेरी फ्रेंड सना और मैं आज आई थी इसकी ससुराल, क्योंकि हम दोनों को काफ़ी मन कर रहा था मिलने का, तो वो नहीं आ सकती तो मैं ही चली गई मिलने के लिए। और यहाँ पे वो इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई थी, ओ माई गॉड, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये सना बनाई, हमेशा से इतना गंदा ही शरबत बनाती थी जैसे तुम वो बना रहे ऐसा ही बनाती थी बेटा शुरू से। लेकिन हम लोग जैसा लड़की, हम लोग जैसा उसका फ्रेंड पीते थे, सबर करते थे। देखो मन कर रहा है पीने का, मुंह कैसा बना रहा है बेटा, क्या करे जिंदगी भर ऐसी थी। उसको चादर गंदा कर दिया, चल जल्दी पोछ, जल्दी पोछ अलियान, उसका चादर गंदा हुआ है, जल्दी पोछो उसको, शौर आके हम लोग मारेगा, जीजा आके मारेंगे, जल्दी पोछ।
गाइज़ हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिल रहे थे। बहुत सारी बातें, बहुत गपशप, बहुत मस्तियाँ, एंड आई जस्ट रियली इन्जॉयड दैट मोमेंट। बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से मिलूँगी। एंड यहाँ पे सना अलियान को पॉइंट आउट कर रही थी हमारी एक फ्रेंड के साथ कि ये बिल्कुल अंकिता की तरह है। अंकिता देखो मिस कर रहे बहुत। अरे मेरे देखिए गाइस हम कितना उम्मीद से आए था सना खाली हमको ना चिल्ली चिकन गिर गई मेरी बहन कितना उम्मीद से आए थे हम दोपहर से खाना भी नहीं खाया और देखिए आप बताइए कितनी कंजूस है देख रहे हैं ना आप लोग देख रहे बाबू देख अपनी अम्मा को। अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि हम लोग काफी दिनों बाद सना से मिले और टाइम बहुत हो चुका है। घर पे कोई नहीं है, हमें जल्दी से घर जाना है और हम लोग अम्मी को बिना बोले आए। और अम्मी अभी जो ब्लॉग देख रही है चटनी बनेगा हम लोग। अब बेटा आपको कैसा लगा हमसे मिलकर? बोलो बहुत अच्छा खा लिया बेटू बहुत अच्छा लगा बेटू। और तू नहीं बोलेगी कुछ? बोल गाइस स्कूल में भी यही सीन चलता था। आलम सर सना सर लाइक करे सना देखना अंकिता तेरे को छोड़ के बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ सर हाँ ठीक है। एंड गाइस उस दिन हम आ चुके थे घर क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। एंड आज है फ्राइडे और हम निकल पड़े हैं अपने ससुराल की ओर। एक्चुअली अब हम जा रहे हैं अपने ससुराल, हमारा वेकेशन ख़त्म। और यहाँ पे मेरी बहन मेरे साथ जा रही है मुझे ड्रॉप करने के लिए, फिर वो वापस आ जाएगी। और बस काफ़ी घर की याद आ रही थी, रो रो कर घर से निकली मैं। यहाँ पे नया वाला ये खुला है ना? ओके गाइस सो इट्स नेक्स्ट डे और मैं पहुँच कर कुछ भी शूट नहीं कर पाई और ना ही ज़्यादा टाइम मिला मुझे। तो आज नेक्स्ट डे है एंड आपको पता है बकरीद आने वाली है, तो मैं यहाँ पे फ्रीज़ को जो है डीप क्लीन कर रही थी। एंड उसके बाद शाम में हम गए थे मॉल क्योंकि हमें लेना था एक कुकर अलियान की खिचड़ी के लिए। एंड हमें कुकर भी पसंद आ गया था एंड हम ले भी चुके थे, बट आज मॉल में आई डोंट नो काफ़ी ज़्यादा रश थी। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेल चल रहा था जिसकी वजह से मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना ज़्यादा भीड़ शायद कोई फेस्टिवल्स में भी नहीं होते हैं वहाँ पे। तो हमने कुकर तो ले लिया एंड बाकी चीज़ें लिया। एंड लेने के बाद जब हम लोग बिलिंग काउंटर पे गए तो हमने जो लाइन देखा है ना, मैं आपको लिटरली मैं आपको शो करूँगी। इतना ज़्यादा भीड़ एंड एक एक ट्रॉली सबका फुल, भाई मैं बता रही हूँ इतना ज़्यादा रश मैंने कभी नहीं देखा। एंड बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू, बहुत गजब का ऑफ़र लगा हुआ था। बट समहाउ हमें वहाँ पे कुकर को रखना पड़ा एंड घर वापस आना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं था कि हम वहाँ पे बिलिंग करवा पाएँ इतना देर खड़े होकर। घर आकर हमने किया अपना बैग अनपैक और मैं सामान निकाल रही थी तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। और ये तस्वीर है मिट्टी की जो हमारे बड़े जीजा जी ने हम सब के लिए बांग्लादेश से लाया था। एंड बिलीव करिए उनकी मेहनत इत्तफाक से सारे जो तस्वीर थे वो सब टूट चुके थे, बट समहाउ अप्पी ने जो है उसे ज्वाइन करके हमें दे दिया। एंड मैं इसे ज़रूर घर पे रखूँगी, काफ़ी सुंदर था। एंड वो वॉश भी अप्पी ने दिया था फ्लावर वाला, वो भी मिट्टी की थी। ये सारे गिफ्ट्स जो है ये अजमेर से आए थे क्योंकि रिसेंटली मेरी भाभी और मेरी अप्पी अजमेर गई हुई थी, तो भाभी ने ये इतर लाया था, अप्पी ने वो दो लैंटर्न्स लाए थे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में और बहुत ही सुंदर। तो मैं आपको वो दिखा रही थी यहाँ पे, अच्छा सामने था वो मैंने आपको दिखाया, बाकी चीज़ें मैं कभी और आपको दिखाऊंगी। और आज थी चांद रात तो मैं यहाँ पे लगा रही थी रात में मेहंदी, बस सिंपल सा
काम चलाने लायक, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था, काफ़ी रात हो गया था, तो बस मैंने ये छोटे छोटे हर्ब्स बना लिए, अलियान उनका नाम लिख के दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ सुबह हो चुकी थी और जनाब तैयार हो रहे थे, क्योंकि पापा नीचे चिल्ला रहे थे जल्दी आओ मुझे जल्दी जाना है, तो बस ये निकल रहे थे यहाँ से। और मैंने भी शावर ले लिया था उनके उठने से पहले, ताकि ये चला जाए तो अलियान मुझे डिस्टर्ब ना करे। और क्या था, ये जा रहे थे, इतना हल्ला किया इन्होंने कि अलियान भी उठ चुका था और मैं दिखा रही थी पूरे बेड में सिर्फ मेहंदी था और सब नहा चुके थे, सिर्फ अलियान बाकी था। उसके बाद मैंने अलियान को शार कराया। गाइज, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई। आई एम सो सॉरी, आई एम अटैचिंग फ़ोटोज़ ईद के दिन का, सो सॉरी गाइज। अलियान को लेकर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, और बिल्कुल ईद के दिन भी ऐसा हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई आप लोग के लिए शूट, बट कोई नहीं, अच्छा अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, उस चीज़ का वेट करिएगा। बस आप सबको मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक, एंड अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को एक्सेप्ट करे। एंड या गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे ब्लॉग को खूब प्यार दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।